हेलो बच्चों, हम लोग अभी सीरीज चल रही है एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन की सीरीज के अंदर मैं आपको टॉपिक करा रहा था। जो लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक देखा वो था हमारा, पढ़ा था हमने इनफाइनाइटली जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेन सीट है उसकी वजह से हमने क्या निकालना सीखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा हुआ था। ऐसे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ली थी उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था इस पॉइंट पे, उसकी वैल्यू आई थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आज जब मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि अगर दो पैरेलल सीट्स हैं वो एक दूसरे के, दो सीट्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रखी जाएंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इसमें लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, दो प्लेट्स हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। पहले हम लोग पॉजिटिवली चार्ज्ड का केस डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेगेटिवली चार्ज्ड का, फिर हम लोग एक थर्ड केस हो सकता है हमारा कि अगर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड हो एक नेगेटिवली चार्ज्ड हो तो क्या होने वाला है। तो देखिए, इस तरीके से आपने यहां पे बनाया डायग्राम, इस तरीके से बना दीजिए इसको, पॉजिटिवली चार्ज्ड कर दो बच्चों, और ये भी आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, अब होता क्या है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको बिल्कुल बेसिक्स पे ध्यान देना है। जैसे ये आपकी प्लेन सीट है, इससे ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो फिर से वो प्रीवियस टॉपिक्स को ध्यान दो। मैंने कहा था पॉजिटिव से आउटवर्ड होता है, नेगेटिव से इनवर्ड होता है। तो ये अगर इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो ऐसे समझो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर को जा रही होंगी और मेरी तरफ को भी, इस सरफेस से उधर की तरफ को जा रही होंगी, इस सरफेस से मेरी तरफ को आ रही होंगी। अब उसने कहा कि दो सीट्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, अब ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये वाली भी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो आप ये देखिए, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके बारे में सोचोगे तो इसके बारे में सोच लेते हैं पहले। अब चार पांच तो हाथ है नहीं ब्रह्मा जी होनी में कि मैं सब एक साथ पकड़ लूं। पॉजिटिव से इधर को जा रहा है, इस पॉजिटिव से मेरी तरफ को भी आ रहा है, ढंग से समझना, उधर को जा रहा है इधर को आ रहा है। इस पॉजिटिव की वजह से सोचना जरा, मेरी तरफ को भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही है, उधर को भी जा रही है। अगर मैं ऐसे रख रहा हूं इस पॉजिटिव को, तो इस पॉजिटिव की वजह से मेरी तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही है, आपकी तरफ भी आ रही है। इस सीट को रखता हूं खाली, ये पूरी पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसकी वजह से आपकी तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, मेरी तरफ भी आ रही है। तो आपकी तरफ अगर इन दोनों को रखता हूं पैरेलल में, तो आपकी तरफ कितने की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसकी भी आ रही है, इसकी भी आ रही है। और फॉर्मूला था सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट था डिस्टेंस पे डिपेंडिंग। आप कहीं बैठे हो उससे मतलब नहीं है मुझे, मैं क्या बोल रहा हूं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप अपने बोलो, ठीक है, आपकी तरफ इसकी, ये पॉजिटिवली चार्ज आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी तरफ आ रही है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आपकी तरफ आ रही है। तो आपकी तरफ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, दो आ रही हैं। अब मेरी तरफ की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये इधर से भी पॉजिटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरी तरफ भी आ रही है, ये इधर से पॉजिटिव है तो इसकी मेरी तरफ भी आ रही है। तो मेरी तरफ भी किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, दोनों की, आपकी तरफ भी दोनों की आ रही है, मेरी तरफ भी दोनों की आ रही है, डायरेक्शन दोनों की सेम, ये कह रहा है मार दूंगा, ये भी कह रहा है आपसे मार दूंगा, सेम मुझसे भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देन डायरेक्शन विल बी एडेड, डायरेक्शन इज सेम देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एडेड। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी तरफ आ रहा है तो वो एड हो जाएगा, मेरी तरफ आ रहा है तो वो भी क्या होगा, एड होगा। अब बीच की बात कर लेते हैं, बीच के पोर्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी तरफ को आ रहा होगा, इसका पॉजिटिव तुम्हारी तरफ को आ रहा है, इसका पॉजिटिव मेरी तरफ को आ रहा है, तो बीच वाले पोर्शन में दिक्कत है, इसमें इसका इधर को जा रहा है, इसका इधर को जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो अपोजिट है तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे। तो यहां ध्यान दीजिए, इस पॉजिटिव की वजह से लेट अस टेक टू प्लेन सीट्स हैविंग चार्ज प्लस सिग्मा वन एंड प्लस सिग्मा टू,
एक के पास हमने जो इसका चार्ज ले लिया वो सिग्मा वन ले लिया है प्लस में, और एक में हमने ले लिया है प्लस सिग्मा टू, और ऐसे लिख लेते हैं लेट, ये ब्रैकेट में ही लिख दो, जो सिग्मा वन है वो ग्रेटर देन है सिग्मा टू से, ठीक हो गया। अब हम इसको ना तीन रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा हो गया रीजन फर्स्ट, ये हमारा रीजन सेकेंड, और रीजन हमारा थर्ड, हम रीजन वन टू थ्री में डिस्कस करेंगे। इस पर कैसा चार्ज है, प्लस सिग्मा वन, इसके पास कितना है प्लस सिग्मा टू, तो क्या हो जाएगा। अब रीजन फर्स्ट की बात करते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर को जा रही हैं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने इवन से डिनोट कर दिया, और ये सिग्मा टू वाले की मेरी तरफ, पहले वाले की भी मेरी तरफ आ रही थी, दूसरे वाले की मेरी तरफ आ रही थी, तो ई टू इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इवन इधर को, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएंगी फर्स्ट रीजन में। अब थर्ड रीजन की बात करो, अगर ऐसे डिवाइड कर देते हैं दोनों सीट्स को रख करके, फर्स्ट रीजन मैं हूँ, प्लस का मेरी तरफ आ रही है, इस प्लस की भी मेरी तरफ आ रही है, इस प्लस की आपकी तरफ, इस प्लस की भी आपकी तरफ आ रही है, तो आप थर्ड रीजन है, मैं फर्स्ट रीजन हूँ, तो आपके पास क्या हो रहा है, दोनों पॉजिटिव आपकी तरफ आ रही है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपकी तरफ आ रही है, और यहाँ पे रखने से भी मेरी तरफ भी दोनों आ रही है, तो हम दोनों में तो डायरेक्शन सेम है, इस पॉजिटिव की भी तो आउटवर्ड होंगी इवन, और यहाँ ई टू। बीच के रीजन में क्या हो रहा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी तरफ आ रही है, इसकी इसकी इधर वाली सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी तरफ आ रही है, और इसकी इधर वाली सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरी तरफ, तो बीच के रीजन में दोनों आपस में लड़ रही है, अपोजिट है, मतलब E1 आपका इधर की तरफ को जाएगा और E2 आपका इधर की तरफ को आएगा, तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो गई, अपोजिट हो गई। तो क्या हो जाएगा, देखो अब यहां पे ध्यान दीजिए, एज फर्स्ट प्लेट हैज प्लस सिग्मा वन चार्ज डेंसिटी, हैविंग चार्ज डेंसिटीज लिखना था, हाँ यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, having charge densities, तो as first plate has plus sigma 1 charge and second plate plus sigma 1 charge density, इधर देखो इधर का समझ को उधर सही करने के ये गलत लिख दिया density, तो क्या हो जाएगा E1 equal to sigma upon 2 epsilon not formula था सिग्मा, अभी करवाए से पहले वाला डेरिवेशन, तो यहाँ पे सिग्मा वन आ जाएगा, ऐसे ही क्या हो जाएगा आपका सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका E2 is equal to sigma 2 upon 2 epsilon not, sigma upon epsilon not था इसके लिए sigma 1 upon epsilon not, इसके लिए sigma 2 upon epsilon not हो जाएगा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। In first region, the direction of E1 and E2 is same. अगर E1 और E2 की direction same है तो क्या होगा, E1 and E2 same है तो वो add हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा E first, इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन में, फर्स्ट रीजन में क्या हो जाएगा E1 प्लस E2, सेम डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी ऐड हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अगर ये बोर्ड में ऐसे खड़ा होता है, मेरा लेफ्ट हैंड है मेरा राइट हैंड है, तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन लिख दो टुवर्ड्स towards left, ठीक है, ओहो सॉरी ये सिग्मा वन है ये सिग्मा टू है, तो ये आ जाएगी इसकी ई फर्स्ट की डायरेक्शन, फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा। अगर अब यहां पे तुम्हें एक चीज दे देता, इफ सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा टू इक्वल टू सिग्मा से, मान लिया कि सिग्मा वन सिग्मा टू बराबर है सिग्मा है, तो क्या हो जाएगा तब ई फर्स्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब ऐसे ही मैं इसके बाद फर्स्ट के बाद थर्ड रीजन कराऊंगा, थर्ड रीजन लिखूंगा तो मुझे फर्स्ट की जगह थर्ड लिख देना है, वहां पे भी E1 E2 की डायरेक्शन सेम है, सेम चीज लिखूंगा, ये सब कुछ बिल्कुल सेम आ जाएगा,
तो इसको आप खुद से भी नोट कर सकते हैं, मुझे फर्स्ट की जगह से थर्ड लिखना है, ठीक है, नोट करिए, ये फर्स्ट रीजन के लिए हो गया। ये हमारा फर्स्ट रीजन हो गया, ऐसे हो जाएगा। इन अगर थर्ड रीजन करने जाए हम लोग, थर्ड रीजन द डायरेक्शन ऑफ E1 एंड E2 सेम दिख रहा है आपको, सेम, तो क्या हो जाएगा, E थर्ड, फर्स्ट की जगह यहाँ पे आ जाएगा थर्ड, यहाँ पे भी आपका थर्ड आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा टुवर्ड्स, यहाँ लेफ्ट था, ये कौन सा हैंड है, राइट हैंड है, लेफ्ट की जगह क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स राइट, ठीक है। ये सब सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, सब कुछ सेम है, बाकी इसमें टुवर्ड्स लेफ्ट था, ये देखिए लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड है, तो टुवर्ड्स राइट हो गया, बस ये चीज होनी है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास रह गया है सेकंड रीजन रह गया है। अब अगर हमें निकालना है, देखो इन सेकंड रीजन द डायरेक्शन ऑफ E1 एंड E2 इज सेम, क्या सेम है, यहाँ पे सेम है, आंसर है नहीं, एक दूसरे का अपोजिट है, इज ऑपोजिट, अपोजिट, तो अपोजिट होगी तो साइन किसका आएगा, माइनस का, यहाँ पे भी साइन किसका आएगा, माइनस का। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, अब भाई डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अगर मैं थोड़ी देर के लिए सोचूं, तो अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कॉमन ले लो, इसको ले लो 1/2 ε0, यहाँ पे हो जाएगा σ1 - σ2, ठीक है। ई थर्ड रीजन में वैल्यू हुई, अब होगा क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर हो गया, अब पूछा जाएगा भाई डायरेक्शन कहाँ है, इधर को या इधर को, वो सुना है बचपन में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जो ताकतवर होगा डायरेक्शन उसकी तरफ होगी, तो ताकतवर कौन है इसमें, E1, why, बिकॉज आपको पढ़ाया गया था सिंस σ1 इज ग्रेटर देन σ2, σ1 σ2 से पढ़ा, तो दिस इंप्लाइज E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 कौन है, σ/2 ε0, इतना नहीं भी लिखना है, σ1 > σ2 स्टार्टिंग में लिया था, 2ε से डिवाइड कर दो इसको, तो σ1/2 ε0 इज ग्रेटर देन σ2/2 ε0, ठीक है। सो डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स राइट, इधर की तरफ को होगी, राइट साइड में, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है तो इधर की तरफ को होगी, तो E3 1/2 ε0 σ1 - σ2, और यहां पे लिख दोगे टुवर्ड्स राइट, कोई दिक्कत ये, अरे भाई सॉरी, ये सेकंड रीजन चल रहा है, सेकंड रीजन के अंदर ये हो जाए, और ये बड़ा होता इधर को होती, ये बड़ा है तो इधर को होगी, बात खत्म, फिर दिया हुआ है, फिर इसमें वही वाली कंडीशन लगा देते कि भाई अगर दोनों बराबर होंगे तो σ1 σ2 के बराबर होगा तो जीरो हो जाएगा। देखिए इफ σ1 = σ2 क्या हो जाएगा आपका, E2 = 0, मींस क्या हो गया आपका, ये जीरो हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मान लो मैं और आप, मेरे पास जो चार्ज है, मैं मान लो प्लेन सीट हूँ, आप भी प्लेन सीट है, मेरे पास जितना चार्ज है उतना ही चार्ज आपके पास है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मैंने प्रोड्यूस की उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपने प्रोड्यूस करनी है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की लड़ाई हो गई। मान लो जैसे वो रामायण चल रहा था ना बीच में COVID-19 के टाइम में, इधर से राम जी चला रहे थे उधर से रावण, तो देखते जब बराबर के इंटेंसिटी के उनके बाण होते थे, एरोज होते थे, वो कैंसिल आउट कर देते थे एक दूसरे को, तो वैसे ही ऐसा चल रहा है मेरी तरफ से तुम्हारी तरफ, तुम्हारी तरफ से मेरी तरफ, एक दूसरे को क्या कर देंगे बीच के रीजन में कैंसिल आउट, कब, जब बराबर है, मेरे ज्यादा हो गए तो नुकसान उधर हो जाएगा, तो उस डायरेक्शन में चला जाएगा एरो, तुम्हारे ज्यादा है तो मेरी तरफ को एरो आ जाएगा, इस तरीके से होता है सेकेंड रीजन की जब हम बात करते हैं, ठीक हो गया। ये केस हो गया कि अगर दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, अब पॉजिटिव की बात करेंगे नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, तो भाई गुस्सा हो जाएगा नेगेटिव, अब कहीं भारी पड़ गया पेपर में तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए
चलिए पॉजिटिवली के साथ थोड़ा सा नेगेटिवली शब्द भी कर देते हैं। कराऊंगा नहीं मैं इसको, तो तुम खुद कर दोगे अभी एक मिनट के अंदर। अब यहां पे एक डायग्राम बना लेते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड का। सपोज ये नेगेटिवली चार्ज होता, इसको हटा नहीं रहा हूं मैं, यहीं पे छोटा सा बना रहा हूं, ये भी नेगेटिवली चार्ज होता तो क्या होता? नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका नेगेटिव सिग्मा वन, ये नेगेटिव सिग्मा टू, तो इवन इनवर्ड, ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव से हमेशा इनवर्ड रहेगा, तो ई टू भी क्या रहेगा? इनवर्ड रहेगा। ठीक है, इस बीच के रीजन की बात करो, ये नेगेटिव है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड आ रहा होगा इवन, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्ड जा रहा होगा ई टू, यहां पे देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड आएगा, समझ रहे ना, ई टू, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इवन आएगा। मतलब आप ये मान के चलिए जो नेगेटिव वन वाला है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आपको अंदर को बनानी है, इसकी तरफ को मूव करना उनका, जैसे यहाँ बाहर को कर देते ना, देखो ये बाहर को, ये बाहर को, या अंदर कर देंगे, इवन इवन अंदर की तरफ, सेम ई टू पॉजिटिव था तो ई टू ये बाहर को, ये बाहर को, अब ये निगेटिव है तो निगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन्वर्ट रहती है, तो ये ई टू अंदर को जा रहा है, इस रीजन में भी अंदर को होगा और इस रीजन में भी अंदर को होगा, और सिमिलरली यहाँ भी अंदर को होगा। फिर से क्या बन गया, इन दोनों डायरेक्शन में इवन ई टू को देखोगे तो डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है, और यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है, तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू वैसी ही आएगी जो वहां आई थी, ये जैसे यहाँ सेम थी, दोनों की डायरेक्शन सेम, यहाँ भी दोनों की डायरेक्शन सेम, वैसे यहाँ हो रहा है सेम डायरेक्शन ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन, सॉरी डायरेक्शन सेम है तो मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा, अंतर क्या होगा, इसमें आपका फर्स्ट रीजन में टुवर्ड्स लेफ्ट था, अब यहाँ पे टुवर्ड्स राइट हो जाएगा, यू विल गेट द सेम मैग्नीट्यूड बट यू विल से The direction is towards right. ये first region में right हो जाएगा, second region opposite है, minus हो जाएंगे एक दूसरे से, इस region की जब आप बात करेंगे same direction है, add कर दो, लेकिन direction यहाँ third region में towards right हो रहा था, ये towards right, और यहाँ towards left हो जाएगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, first region clear हो गया, second region clear हो गया, third region clear हो गया, negative है, you are saying that the derivation will be same, but डायरेक्शन विल बी डिफरेंट, तो आपको करना क्या है, कॉपी उठानी है, पेन उठानी है, सेम चीजें सॉल्व करते जानी है, लिखना है इवन एंड ई टू आर इन द सेम डायरेक्शन, दे विल बी एडेड, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, फिर लिख देना है टुवर्ड्स, क्या कर देना आपने, ई फर्स्ट सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन जो वहां पे टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा था इसमें टुवर्ड्स राइट आ जाएगा, टुवर्ड्स राइट, बस ऐसे छोटे छोटे डिफरेंसेस कर देने इनमें, शायद आप लोग कर लेंगे, तो पॉजिटिवली चार्ज समझ में आ गया, नेगेटिवली चार्ज आ गया। अब क्या करना है, एक प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज ले लेंगे, एक को हम लोग नेगेटिवली चार्ज ले लेंगे, इसको जल्दी से आप लोग करना जरूर बच्चों। अगर आप सेकेंड वाला नहीं लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। अब आएगा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, मतलब एक आपके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड है, एक आपके पास नेगेटिवली चार्ज्ड है, प्लस 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 प्लस, ठीक है, इसमें माइनस 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 माइनस, और ऐसे हम लोग और बना दो प्लस, कौन पूछ रहा है, ये लीजिए, ठीक है, इसमें बेटा प्लस सिग्मा वन, इसमें माइनस सिग्मा टू ले लेते हैं, पॉजिटिव सिंपल इवन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वन वाला आउटवर्ड, ये पॉजिटिव, इधर अगर निकालूंगा आउटवर्ड, इधर देखना चाहूं ये फर्स्ट रीजन हो गया, ये सेकंड रीजन हो गया, ये थर्ड रीजन हो गया, इस थर्ड में भी मुझे इसको इवन को आउटवर्ड दिखा दे, सेकंड अब इसकी वजह से देख रहे हो इसका ई टू होगा सिग्मा टू, ये निगेटिव है, निगेटिव में तो अंदर की तरफ को घर को चल देना है, आपने कहा ये इनवर्ड ई टू, ये इनवर्ड ई टू, और यहां पे भी ये इनवर्ड होगा ई टू। अब देखिए फर्स्ट रीजन में क्या हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन में अपोजिट, और यहां पे क्या हो रहा है आपका, एक दूसरे के डायरेक्शन में चलो, यहां ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा,
अब देखो बाकी तो सारी चीजें सेम ही रह जाएंगी कि हमने कहा ये पॉजिटिवली चार्ज है, एक के पास सिग्मा वन है, एक के पास प्लस सिग्मा वन है, एंड एक के पास कितना है माइनस सिग्मा टू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप जो लेंगे वो आप इवन, एक का सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होगा, एक का होगा ई टू इज इक्वल टू सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर माइनस लिख दो, अरे भाई शुरू से पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के साथ माइनस की तो बात ही मत करो। माइनस है तभी तो ये अंदर को जा रहा है, ये माइनस है मेरे तो सपने जगह हो रहा है मुझे, मुझे नींद में माता रानी ने आके नहीं बोला कि अंदर को ले जाना है इसको, ये इसको बाहर को ले जाना, मेरे को पता चला है प्लस है ये माइनस है, तो इसलिए प्लस माइनस यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। और फर्स्ट रीजन में क्या होगा, फर्स्ट रीजन में क्या होगा, देखो आपका फर्स्ट रीजन क्या होगा, अब मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा इसके, अब आपको इसका खुद से बनाना है, खाली देखना है वीडियो। ई फर्स्ट, तो आप क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ ई वन एंड ई टू इन दिस रीजन इज अपोजिट, सो E first कितना आ जाएगा E1 minus E2, ठीक है, फिर वही sigma upon 2 epsilon naught minus sigma 2 upon 2 epsilon naught, 1 upon 2 epsilon naught common ले लो, sigma 1 minus sigma 2, क्या बोल दोगे कि यार ये तो left में है और कौन बड़ा है आपका, sigma 1 is greater than sigma 2 in magnitude, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बड़ा है, ये कह रहा है ओए किधर जाना है, left में जाना है, ये कह रहा है right में जाना है, नहीं ये बड़ा है तो किधर जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। अब किसकी लाठी किसकी भैंस पता चल रहा कुछ, अभी बच्चे बैठे हैं क्लास में को यही नहीं पता, कहने का मतलब दो लोग हैं, एक भैंस खेत में घूम रही है, अब दोनों वो भैंस को किसी की नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई उसका कब्जा करना चाहता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब हो गया कि दो लोग हैं, एक बेचारा ऐसे सीधा गरीब आदमी मेरी तरह ऐसे बिना डंडे के गया, दूसरा एक डंडा लेके आया हुआ है, तो वो तो भैंस को तो मार के ले ही जाएगा, अगर मैंने उसको दादागिरी दिखाई ये मुझे भी चाहिए तो मुझे भी मारेगा, इसलिए मुझे चुपचाप उसकी बात को फॉलो करना, तो यहाँ पे ये बड़ा है इवन तो इसकी बात को ई टू फॉलो करेगा, इसलिए हमने कहा सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू टूवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड रीजन में एड हो जाएंगे, सेकेंड रीजन में क्या होगा ई सेकेंड, आप निकालेंगे तो क्या करोगे आप, इवन प्लस ई टू, डायरेक्शन सेम है, तो सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा आपका सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू। फिर थर्ड रीजन की बात करेंगे, तो थर्ड रीजन के लिए फिर से सेम चीज हो जाएगी, देखिए फर्स्ट रीजन में जो हुआ था वही आपका थर्ड रीजन में हो जाएगा, थर्ड रीजन में हो जाएगा, ठीक है, तो ई थर्ड क्या होगा, देखो इवन माइनस ई टू और यही वैल्यू आएगी, और ये क्या होगा, लेकिन अब इवन इधर को जा रहा है, ई टू अंदर को आ रहा है, तो टुवर्ड्स राइट, लेफ्ट की जगह राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिस्टेंस की डिपेंडेंसी नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि ये कौन बड़ा हुआ, तो इवन बड़ा इसलिए टुवर्ड्स राइट हो जाएगा। तो हमने देखा कि भाई अगर दोनों पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या होगा, दोनों निगेटिवली चार्ज है तब क्या होगा, और अगर एक पॉजिटिवली एक निगेटिवली है तब क्या होगा, तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे गए, कॉन्सेप्ट क्या देखा कि पॉजिटिव है तो आउटवर्ड बना दो, नेगेटिव है तो इनवर्ड बना दो, और फिर हमने इनको सॉल्व कर दिया। देखिए फिर एप्लीकेशन का नेक्स्ट पार्ट फिर अगले उसमें करते हैं, तब तक बाय।